पिछले कई दिनों से भारत की पार्लियामेंट में जमकर बहस चल रही है। बस इसलिए पीएम मोदी जी पार्लियामेंट को छोड़कर एससीओ समिट में शामिल होने के लिए नहीं गए और कजाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट की इस मीटिंग को पूरी तरीके से स्किप कर दिया। और मोदी जी के एससीओ समिट को स्किप करते ही और कजाकिस्तान के आस्थाना में होने वाली इस मीटिंग का जिम्मा सीधा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी के कंधों पर आ गया। और जयशंकर साहब जी बिना देर किए हुए ही एससीओ समिट में शामिल होने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी आस्थाना पहुंच गए। और एससीओ समिट में पहुंचते ही जयशंकर साहब जी ने एक के बाद एक कई बड़े धमाके कर दिए हैं, क्योंकि इस बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने चाइना को तो छोड़ो बल्कि अपने मित्र देश रशिया को भी नहीं छोड़ा है। आपको बताएंगे कि एस जयशंकर साहब जी ने रशिया को किस बात को लेकर धमकी दी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एस जयशंकर साहब जी ने चाइना के साथ क्या खेल किया है, क्योंकि चाइना जयशंकर साहब जी की एक धमकी के बाद पूरी तरीके से लाइन पर आ गया है। दरअसल सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ है कि रेस्पेक्टिंग एलएसी एंश्योरिंग पीस एस जयशंकर मीट चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एट एससीओ मीट, यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने एससीओ समिट के दौरान ही चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी उनसे मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान ही एस जयशंकर साहब जी ने चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के सामने एलएसी पर बढ़ रहे तनाव के मुद्दे को उठाया। और इसकी जानकारी एस जयशंकर साहब जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने आस्थाना में चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और एलएसी बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव के मुद्दों को जल्द से जल्द डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए खत्म करने को कहा है। जयशंकर साहब जी ने चाइना के विदेश मंत्री से ये बिल्कुल साफ कर दिया कि चाइना को एलएसी का सम्मान करना चाहिए और बॉर्डर एरिया में शांति को कायम करना चाहिए। जिसके बाद जयशंकर जी के इस बयान के बाद चीन पूरी तरीके से हड़बड़ा गया और चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी वो अब भारत के साथ बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए एग्री हो गए हैं। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि इंडिया चाइना रिलेशन एएमएस जयशंकर चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी एग्री टू वर्क ऑन बॉर्डर इशू, यानी कि चाइना भी अब भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहता। उसे भी पता है कि अगर अब भारत से पंगा लिया तो चीन को ही महंगा पड़ जाएगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को भी आतंकवाद के मुद्दे पर लपेट लिया है और साफ कर दिया है कि अगर चाइना और पाकिस्तान ने भारत की संपूर्णता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी महंगा होगा। हालांकि इस बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ रशिया को भी एक बड़ी धमकी दे डाली और इस बार रशिया के सामने भारत ने स्ट्रॉन्गली अपनी बात रखी है। और जयशंकर साहब जी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात करते हुए ये साफ कर दिया कि सेफ्टी ऑफ इंडियंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि जयशंकर रेजिज स्ट्रॉन्ग कंसर्न ओवर इंडियन नेशनल्स इन रशियाज वॉर जोन अहेड ऑफ एसियो समिट। दरअसल आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान आप लोगों ने देखा था कि भारत के दो नागरिक मारे गए थे जिन्हें पैसे का लालच देकर रूस की आर्मी में शामिल किया गया था, जिन्हें शामिल तो रशियन आर्मी के हेल्पर के तौर पर किया गया था लेकिन रशियन आर्मी ने उन्हें बिना ट्रेनिंग के ही यूक्रेनियन सेना से लड़ने भेज दिया था। और इस खबर को सुनकर भारत भी काफी गुस्सा हुआ था, इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने रशिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। और जयशंकर साहब जी ने साफ कहा है कि वॉर जोन में लड़ रहे भारतीयों को यूक्रेन बॉर्डर से जल्द रशिया को भारत भेज देना चाहिए। अब देखना होगी रशिया की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।